ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة.

हमारी ये नंबर की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है सूरतुल हिजर की चंद आयात बाकी हैं। आखिरी रुकू आलमोस्ट इसे हम कवर करेंगे और इसमें एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें मैं थोड़ा तफसील के साथ बयान करूंगा सबसे पहले पिछली दफा जो हमने कंक्लूजन की थी सयदना बीनासलासम की कौम से मुत्ल उसमें एक पॉइंट मुझसे स्किप हो गया और वो पॉइंट सिर्फ उन लोगों की नज़र से गुजरता है जो दिक्कत नज़र से कुरान हकीम को पढ़ते हैं चूंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुरान हकीम के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन जो पब्लिक में मशहूर है खूस इंटलेक्चुअल्स के अंदर और उसका जवाब उमूा आम बंदों को पढ़ के नहीं मिलता मैं उसे अड्रेस कर दू उनमें से एक कंफ्यूजन ये है कि लू सलाम की कौम पे जो अजाब का वाक्य आया है वो तफसील के साथ सूर्य हूद में हम पढ़ चुके हैं सूरत अराफ में भी थोड़ा सा जिक्र था सूर्य हूद में बड़ी तफसील के साथ आया था उसी पे मेरी वो वीडियो भी रिकॉर्ड है क्लिप की फॉर्म में मर्द की मर्द से शादी होमोसेक्चुअलिटी इस तरह के अल्फाज आप लिखें तो वो खुल जाएगी उसमें इस हवाले से कौम लूत वाला जो अमल करे उसकी शरी सज़ा क्या है कुरान सुन्नत की रोशनी में मैंने तफसील के साथ उसके ऊपर डिस्कशन की थी सूरतुल हिजर में भी चूंकि वह वाक तफसील के साथ आया मैंने उतनी तफसील से उस पर गुफगु नहीं की अदीस को स्किप कर दिया था लेकिन ये सारा जो वाक्य है ये स्केटर्ड फॉर्म में कुरान में मौजूद है कुछ सुरह हूद में आया उसी से मिलता जुलता सूरह हिजर में आया लेकिन चंद एक मिसिंग चीजें थी जो यहां पे आई वो वहां पे नहीं है इधर भी एक आज चीज ऐसी है जो मिस है वो सूरतुल कमर में आगे चल के आएगी जो उस नजरिए को सपोर्ट करती है जो तोरात के अंदर आया है और कुरान की आयत में इशारतन उसका जिक्र है लेकिन सूर्य कमर में जब ये लूतरा इस्लाम की कौम का जिक्र आता है तो वहां ये टॉपिक खुल जाता है कि वो जो फरिश्ते थे वो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए थे और हज़रत अलैहिस्सलाम की कौम उनके पास आई उन्हें नहीं पता था कि ये फरिश्ते हैं और वो उस बदकारी में इन्वॉल्व हो चुके थे उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि इन लड़कों को हमारे हवाले करो बुराई करने के लिए तो लूत अलैहिस्सलाम को भी उस वक्त तक नहीं पता था कि ये फरिश्ते हैं जो इंसानी शक्ल में आए ये ट्रूथ रिवील होता है सूर्य हूद के अंदर वहां तरतीब बिल्कुल वो है जो, जो जमानी तरतीब है लेकिन सूर्य हिजर में हमने जब पिछली दफा यह वाक्य कवर किया है उसमें तरतीब अपने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाली नहीं है उसमें शायबा आ जाता है कोई कह सकता है कि मैंने ये जो दावा किया कि हजरत लूतम को नहीं पता था तो स्टार्ट में अल्लाह तला ने जिक्र किया है कि उन फरिश्तों ने हजरत लूत को यह बताया कि हम अजाब लेकर आए और आपने अपनी आल को लेके निकल पड़ना है दो बेटियां आपकी आपकी बीवी तो हलाक कर दी जाएगी इन पे आएगा अजाब और उसके बाद जिक्र आया कि उनकी कौम आई और वो फिर अपनी कौम से कह रहे हैं कि देखो मेरी कौम की बेटियां मौजूद हैं तुम मुझसे मेरे मेहमान क्यों मांग रहे हो मुझे इन मेहमानों के सामने क्यों बेजत करवाते हो तो उससे ये लगता है कि जब लूत लूतम को पहले ही पता था कि ये फरिश्ते इंसानी शक्ल में अजाब देने के लिए आए हैं फिर वो अपनी कौम की मिन्नतें क्यों मार रहे थे उन्हें तो चाहिए था कहते तैयार हो जाओ आ गया जजाब तो सूरतुल हिजर में वो जमानी तरतीब अल्लाह तला ने फॉलो नहीं की है उसकी वजह से कंफ्यूज आ जाती है और कुरान में कई जगह ऐसा होता है कि अल्फाज आगे पीछे होते हैं जमानी तरतीब को उस तरह फॉलो नहीं किया गया होता वो आपने जगह ढूंढनी होती है जहां पे वाकई वो पूरी तरतीब ठीक मौजूद हो उसकी रोशनी में बाकी आयात को समझना होता है उसकी वजह यह कि कुरान इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है इंसान जब किताब लिखता है तो इस तरह की चीजों का ख्याल रखता है चैप्टर्स भी बांधता है ये है अल्लाह तला के खुतबात प्लस इनके अंदर एक डिवाइन म्यूजिक मौजूद है उसको मेंटेन करने के लिए बाजुकात वाकयात आगे पीछे हो जाते हैं इवन सूरत बकरा में नीस इसराइल की हिस्ट्री के वाकयात भी आगे पीछे हुए हुए अब जो गाय को सबा करने का वाक्य है वो पहले बयान हुआ है और ये जो वाक्य है कि उस गाय का वो हिस्सा जो है तुम उस मुर्दे को टच करो तो वो मुर्दा वक्ती तौर तो पर जिंदा होके बता देगा कि मेरा कातिल कौन है ये वाक्य बाद में है हालांकि जमानी तरतीब में बात यूं थी कि यह डिमांड पहले की गई थी कि इसका कातिल कौन है उसके जवाब में अल्लाह ने कहा था कि तुम एक गाय को कुर्बान करो उसका जो गोश्त है उसको टच करना लेकिन वो तरतीब कुरान में वैसी नहीं है तो तरतीब बाजुकात आगे पीछे होती है इसी तरीके से किस्से आदम और इबलीस कुरान में सात दफा आया ब्लू प्रिंट तो एक जैसा है लेकिन अल्फाज डिफरेंट है जो अल्फाज अल-आराफ़ में आए हैं वो सूर स्वाद में मिसिंग है जो सूरत हिजर में आए हैं वो ना सूरत अलराफ में आए हैं जो कि तफसीली है ना सूर्य स्वाद के अंदर इस तरह सूरतुल्कहफ में सूरत बड़ा मुख्तसर जिक्र आया लेकिन वहां एक इतना बड़ा ट्रूथ आया जो छह जगह नहीं आया कि इब्लीस जो है वो जिन्हों में से था इसलिए उसने नाफरमानी की बाकी छह जगह आपको पढ़ के लगता है कि इब्लीस भी फरिश्ता था फिर बंदा कंफ्यूजन में आ जाता है कि फरिश्ते तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते इसने क्यों की और स्टार्ट भी हुई है कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा वहीदाल और अबू का लिल मलास जुदू अली आदम तो यकीन फिर फरिश्तों का ही हुक्म था तो अब को तो हुक्म ही नहीं था वो कैसे बीच में दाखिल हो गया तो फिर मैंने सूरत और में ये जब वाकया है मैंने पूरी इसकी कंफ्यूजन दूर की कि टोटेलिटी तो में रिजल्ट निकाला जाता है ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं वो लोग जो अहदीस के ऊपर एतराज करते हैं उन्होंने अदीस को मानना कोई नहीं होता खा वो खो हो मुहा या हनफी हो वो बजहिर इस किस्म के अल्फाज का जो फर्क मुख्तलिफ अदीस में आता है ना उसकी प्ली लेके कहते हैं जी हदीसें जो एक काबले इतबार नहीं इसराब है ये अक्सर आप सुनेंगे जी रफुलुद्दैन की हदीसों में तो इसराब है जी हालांकि वह अंतुम तलामून उन्हें पता होता है कि भाई जब कुरान में इस तरह का इसतराब इन्वर्टेड कामों में मौजूद है तुम्हारे बकौल। भाई गुफ्तु तो अल्लाह ताला की और इबलीस की एक ही दफा हुई है ना वो सात दफा क्या सात सौ दफा भी आती है ना अल्फाज में फर्क नहीं होना चाहिए था भाई अल्लाह ने एक बात की शैतान ने उसके जवाब में एक बात की फिर अल्लाह ने एक बात की शैतान ने उसके जवाब में एक बात की लेकिन आपको हर जगह अल्फाज का चुनाव मुख्तफ नजर आएगा वो अल्फाज सूरतों के वजन में बिठाए गए हैं जो डिवाइन म्यूजिक चलता है उसके लिए फिर अल्लाह तला को अल्फाज भी चेंज करने पड़े जब अल्फाज चेंज हुए हैं तो यकीन ये वो अल्फाज कौन उंगली रख के कह सकता है कि सूरत अराफ वाले अल्फाज जो हैं ये एग्जैक्ट हैं या सुर हिजर वाले एग्जैक्ट हैं वो आपस में भी मैच नहीं करते फिर इससे बढ़कर अल्लाह तला की गुफ्तगु तो आवाज के साथ होगी नहीं उसका मोड़ तो हमें पता ही नहीं ले सका मिसली शही वहू समीबसी तो इस तरह के जो कंफ्लिक्ट आते हैं अहादीस में तो सबको जमा करके एक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला जाता है अगर इसकी बुनियाद पर कोई अहदीस को रिजेक्ट करेगा फिर कुरान के ऊपर भी एतराज बन सकता है लेकिन उस एतराज का जवाब हम कहते हैं सबको एक जगह जमा करें तो मैंने जब इसको दिक्कत नजर से देखा मैंने पिछली दफा जब सूर्य हिजर की आयात कवर कर रहा था ना लूत इस्लाम वाली तो मैंने आपको ब्लू प्रिंट वाक्य तो सुनाया जब मैंने खुद उसको कवर किया ना तर्जमे के साथ उसी दौरान मुझे एहसास हो गया मैंने कहा यार ये तो मैं इनको बता रहा हूं कि उनको तो पता ही नहीं था कि ये फरिश्ते अजाब लेके आए हैं इसीलिए तो सूर्य हूत में आता है कि काश मेरे पास कोई मजबूत किला होता मैं अपने मेहमानों की हिफाजत तो इन सालों से कर लेता भाई अगर हजरत लूत लूतम को यह पता होता ये फरिश्ते हैं तो उन्होंने क्यों ये कहना था काश मैं इनकी हिफाजत करता वो तो हजरत लूत लूतम को बचाने आए हुए थे तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या है फिर मैंने दिक्कत नजर से जब देखा तो वहां असल जो तरतीब है ना वो सूर्य हूद में है सूर्य हिजर में वो जमानी तरतीब के मुताबिक नहीं है आयात जो वाकया बाद में हुआ वो पहले है बाद में क्या वाक्य हुआ कि फरिश्तों ने बता दिया कि हम मजाब लेके आए लेकिन सूर्य हिज्र में जब ये वाक्य बयान हुआ है तो पहले आया कि फरिश्तों ने कहा मजाब लेके आए आप अपनी बीवी बच्चों को लेके निकले लेकिन आपकी बीवी पकड़ी जाएगी बच्चियां आपकी बच जाएंगी और उसके बाद है कि वो आगे हजर लूतलेसम के पास और उनका हवाले करो फिर लूतलाम वही कह रहे हैं कि मेरी इज्जत रखो ये मेरे मेहमान है फिर बंदा कहता है यार उनकी जान बख्शी की भीख क्यों मांगी जा रही है अपनी कौम से क्यों दरखास्त की जा रही है जबकि उनको पता है पता नहीं था सूर्य हूद में तरतीब दुरुस्त है यहाँ पर तरतीब वैसे नहीं है जमानी एतबार से वो असल है यहाँ पर सिर्फ वाक़े के तौर पर बयान हुआ है और अल अलकमर में आया कि उन्होंने हजरत अलैहिस्सलाम के मेहमानों को बहलाने फुसलाने की कोशिश की कि किस तरीके से वो लड़के हमारे हथे चढ़ जाए वो वहां पर मौजूद है ये सारी जगहों को आप जमा करेंगे फिर आपके सामने एक पूरी पिक्चर आ जाएगी कि अच्छा ये मिसिंग लिंक है यूं 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 है कुरान का मकसद आम स्टाइल में गुफ्तगू करना नहीं है क्योंकि कुरान की जो आयात हैं और जो सूरतें हैं ये अल्लाह ताला के खुतबात हैं और खुतबात में बात करते हुए आगे पीछे बात हो जाती है उसमें ज़मानी तरतीब का ख्याल रखना जरूरी नहीं है अगर हर दफ़ा ज़मानी तरतीब का ख्याल रखा जाए तो फिर तो जो अंबिया के अपने जमाने हैं उनका भी फिर हम एतबार करेंगे फिर किसी सूरत में हज़रत इस्लाम का जिक्र अगर पहले आया और नूल इस्लाम का बाद में आया तो टेक्निकली तो नूल इस्लाम का जिक्र पहले होना चाहिए इब्राहिम इस्लाम का बाद में होना चाहिए लेकिन चूंकि सूरतें अल्लाह के खुतबात हैं खुतबे में तकरीर में ये चीज़ जरूरी नहीं होती कि आप तरतीब को कायम रखें तकरीर में ये चीज़ जरूरी होती है कि आपका टॉपिक क्या है उसको आपने एड्रेस करना है बातें आगे पीछे हो सकती हैं मिसालें आगे पीछे हो सकती हैं कुछ मिसिंग लिंक भी हो सकते हैं जो दूसरी जगहों पर बयान हुए हुए हों उन सारी चीजों को जमा करके पिक्चर सामने आती है में भी यही होता है कि साहब इक राम अगर दस है उन्होंने ट्वेंटी परसेंट याद रखा एक ने एटी परसेंट याद रखा एक ने नाइनटी परसेंट याद रखा और बाज का ऐसा होता है कि नाइनटी परसेंट जिसने याद रखा हुआ है ना वो टेन परसेंट ऐसा भूला होता है जो ट्वेंटी परसेंट वाले ने ब्याम कर दिया होता है बंदा कहता है यार देखो ये एक मेन जुमला था इतनी लंबी हदीस में वो सभी ये बात भूल गया दूसरे ने छोटी सी बयान किया और उसने वो पॉइंट बता दिया उसमें बस अल्लाह ने हिफाजत करनी है ना तो इस तरीके से जो कुरान पाक की आयात है उनको जमा करके एक ऑप्टीमल सोल्यूशन जाता है अहदीस को भी एक जगह जमा करके एक ऑप्टीमल सोल्यूशन निकाला जाता है अगर ये कुरान का ऐब नहीं है तो वह अहदीस का ऐब नहीं है जेर में रखिएगा ये पॉसिबल नहीं होता ये हम क्यों बनाते हैं आप मुझसे आयात का दर्स दस दफा दिलवाएंगे मैं दस दफा अल्फाज का चुनाव डिफरेंट करूंगा मफहूम मैं एक ही बयान कर रहा हूँ एक नेचुरल चीज है इस तरह साबा एक राम इंसान थे उन्होंने चीजें सुनी उसके मुताबिक उनको आगे बयान किया बाज बताने में उनसे चीजें ओवर लुक हुई बल्कि यहां तक भी हुआ है बुहारी मुस्लिम में आता है किसिब मालिक जब बूढ़े हो गए तो जो उन्होंने खुद अपनी दिसें बयान की हुई थी ना उनमें से कई चीज़ें खुद भूल चुके थे कुछ ताबीन जब उनको मिलने के लिए गए और वापसी पे आके हसन बसरी को उन्होंने बताया कि हमने अनस ने मालिक से हदीसें शफात सुनी है तो उन्होंने यूं यू बयान की तो उन्होंने पूछा बस इतनी बयान की उन्होंने कहा इतनी बयान की उन्होंने कहा कि जब वो जवान थे ना तो उन्होंने मुझसे ये हदीस बयान की हुई है इसमें तो ये ये अल्फाज भी हैं और इसके बाद भी है पता नहीं वो भूल गए हैं या जानबूझ के उन्होंने वो हिस्सा स्किप कर दिया जो आखिर वाला हिस्सा था अब ये कौन कह रहा है हसन बसरी हसन बसरी ये उन ताबीन में से हैं जिनसे साहबा ने दीशें रवायत की हुई है खुद ताबी है साहबा ने इनसे दीशें रवायत की हैं क्योंकि इन्होंने किसी सीनियर साहबी से कोई दीस सुनी है और कोई जूनियर साहबी था जिसके इल में वो दीस नहीं थी तो वो हसन बसरी से बयान करता है कि मैंने हसन बसरी से सुना और उन्होंने बताया कि मुझे हजरत अनस अनसि मालिक ने बताया या मुझे हजरत अबू रैणा ने बताया ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है तो साहबा भी साहबा से रवायत कर देते हैं जिस तरह मौला अली से कई अदीसें अबू तुफैल आमिर बिन वासला ने बयान की हैं जो आखिरी सहाबिफ फौत हुए एक सौ दस हिजरी के अंदर शियान अली में से थे जंगे जमल सिफ़ी नहरवान में हजरत अली के साथ रहे लेकिन इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया था उस वक्त इनकी उम्र सात आठ साल थी बस नबी इस्लाम को उन्होंने मुख्तर वक्त के लिए ही देखा तो जहरा इन्होंने हजूर की सोहबत तो नहीं की थी तो ये फिर सीनियर साहबा से अधिसें सुन सुन के आगे बयान करते थे तो इस तरह मामला हो जाता है तो ये कुरने पाक में भी जो इस तरह के वाकियात हैं इन्हें तख्ते मश्क बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए और कुरान के स्टूडेंट को यह बात पता होनी चाहिए कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं बजाहिर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं लिटरेचर की बुक के अंदर ऐसा हो सकता है कुरान का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि उसमें अल्फाज के चुनाव का भी फिर मुख्तलिफ जगहों पर वाकत मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुए होते हैं और बात लोग इसी तरह की कन्फ्यूज को उठाते हैं और फिर कहते हैं जी कुरान तो सूर आयत नंबर एटी टू में कह रहे हैं कि अगर कुरान अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती की तरफ से होता तो तुम इसमें इख्तलाफ कसीर पाते तो अख्तलाफ क तो है और वह अख्तलाफ क उनकी नज़र में होता है भई किसी अहल इल से पूछो वो एक एक चीज को रिजॉल्व करेंगे कि ये बात यूं नहीं थी यूं हुई तुमने यह चीज छोड़ दी है उसकी वजह से यूं हुआ क्योंकि लिटरेचर की किताब है लिटरेचर की किताब मैथमेटिक्स की तरह नहीं होगी दुनिया में मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो परफेक्शन के साथ है जो परफेक्शन आप चाहते हैं कि टू की जगह हमेशा टू ही आएगा थ्री नहीं ले सकता लेकिन लिटरेचर में ऐसा नहीं होता लिटरेचर में जब आप एक वाक्य बयान करते हैं उसको दस मुख्तलिफ अंदाज में जब बयान किया जाता है एक ही वाक्य को तो अल्फाज बदल जाते हैं टू की जगह थ्री भी आ सकता है थ्री की जगह फोर भी आ सकता है यह समझाने के लिए बात कर रहा हूं लिजा कुरान ना तो साइंस की किताब है ना ही मैथमेटिक्स की बुक है ना ही फिजिक्स की बुक है अगरचे ये इन चीजों को बयान करती है लेकिन स्टाइल इसका क्या है लिटरेचर का लिटरेचर का लिटरेचर का फिर स्टाइल इसी तरीके से होता है कि उसको और फिर लिटरेचर में भी कौन सी फॉर्म खुतबे की फॉर्म तकरीर का स्टाइल स्टार्ट जानदार बीच में मिसालें और टॉपिक इस तरीके से यह नहीं है कि सूर्य बकरा का नाम अगर बकरा गाय है तो उसमें सिर्फ गाय का जिक्र है नहीं थोड़ा सा एक वाक्य है बाकी इतनी बड़ी सूर्य बकरा है वह सिर्फ उसके टाइटल के तौर पर सूरतुल अनकबूत मकड़ी यह नहीं है कि उसमें मकड़ी के फजाइल बयान हुए कुफार के ईमान को मकड़ी से तशवी दी गई है वरना पूरे का पूरा टॉपिक उसका तोहहीद है अहले ईमान को जो तकलीफें उठानी पड़ती हैं अल्लाह की नाम में उसका जिक्र मौजूद है लेकिन उसको एक डोमिनेट नाम दे दिया अच्छा ये अल्लाह तला से चीज मैंने भी सीखी है आप देखें हमारी वीडियोज में जब हम अपनी पॉडकास्ट अपलोड करते हैं तो पॉडकास्ट का तो हर दफा टाइटल पॉडकास्ट होना चाहिए आप देखें हमारी हर पॉडकास्ट का टाइटल डिफरेंट होता है और उसमें जो सबसे डोमिनंट चीज मैंने डिस्कस की होती है ना वो हमने उर्दू में ऊपर लिखी होती है हालांकि वो उस डेढ़ घंटे में सिर्फ पंद्रह मिनट या दस मिनट डिस्कस हुई होती है बाकी सवा घंटा कुछ और डिस्कस हुआ होता है लेकिन टाइटल में वो चीज होती है ये कुरान से मैंने लर्न किया है कि जो कियाट चीज है ना उसको आप उसके टॉपिक पर डालते हैं सूर्य बकरा में जो बकरा का जो वाक्य था वो डोमिनट था कि अंबिया के साथ बाल की खाल उतारने वाला मामला करना इसका क्या नुकसान होता है के में फिर बर्बाद होती हैं